हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे यूजिंग कंसोल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको बताया है कि जावा में यूजर से इनपुट लेने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है यूजिंग कंसोल क्लास, दूसरा तरीका होता है यूजिंग इनपुट स्ट्रीम क्लास, तीसरा तरीका होता है बफर रीडर क्लास, और चौथा तरीका होता है स्कैनर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम कंसोल क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंसोल क्लास का यूज़ आप आईडी के इनसाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये केवल और केवल कंसोल से ही इनपुट को रीड करता है। तो अगर आप इक्लिप्स आईडी यूज़ करते हैं, नेटबिन आईडी यूज़ करते हैं, या अदर कोई आईडी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप कंसोल क्लास का यूज़ करके यूजर से इनपुट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कंसोल क्लास के थ्रू यूजर से इनपुट किस तरीके से ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम नेम की क्लास से कॉल करना है कंसोल नेम के मेथड को। जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड सिस्टम नेम का एक क्लास होता है, उसके इनसाइड स्टैटिक मेथड होता है कंसोल, और जब आप इसे कॉल करते हैं तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है कंसोल क्लास। तो ये कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको इसे कंसोल क्लास के रेफरेंस में असाइन करना पड़ेगा। ओके, इससे आपको कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन कंसोल क्लास जो है वो जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट होती है, तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का आईओ पैकेज, इस तरीके से। बहुत आसान है। अब आप कंसोल से इनपुट लेना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंसोल क्लास जो होती है उसके पास रीड लाइन नेम का एक मेथड होता है, और ये कंसोल से जो इनपुट रीड करता है वो केवल और केवल स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रीड करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू रीड करना है, तो आप यहाँ पर मैसेज देंगे, और मैसेज देने के लिए आप यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्टेटमेंट। और जो आप मैसेज देंगे वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इंटर यूअर नेम, यानी कि मैं यूजर से उसका नेम इंटर करवाने के लिए कह रहा हूँ। तो जैसे ही वो अपना नेम इंटर करेगा कंसोल पर, तो उसे हम रीड करने के लिए यूज़ करेंगे रीड लाइन नेम की मेथड को। और इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में ही वैल्यू को रीड करेगा, तो हम इसे स्ट्रिंग के रेफरेंस में असाइन कर देंगे। तो मैंने इसे नेम नेम के वेरिएबल के इनसाइड असाइन कर लिया, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है कंसोल पर, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्टेटमेंट ही यूज़ करूँगा। और मैंने लिखा है यहाँ पर नेम इज़, बहुत आसान है। और अगर आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे कि आप यूजर से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं जावा में कंसोल क्लास के थ्रू। तो चलिए कंपाइल और रन करके आपको बताते हैं। मैंने यहाँ पर CMD ओपन किया, सबसे पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ। मैंने कंपाइल कर लिया है। कंपाइल करने के बाद अब मैं यहाँ पर रन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रन किया। ये पूछ रहा है इंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पर नेम डाला यश, इंटर किया, नेम इज़ यश, यानी कि जो नेम यूज़र ने डाला वही नेम इसने डिस्प्ले करवा दिया कंसोल पर। अब देखिए, ये तो बात हुई स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेने की और डिस्प्ले करवाने की, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इंटीजर या फ्लोट में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं इसी क्लास के थ्रू, तो आप क्या करेंगे। अब ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रीड करता है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर पार्सिंग करना पड़ेगा स्ट्रिंग का। मैं आपको करके बताता हूँ, साथ ही साथ एक अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं जिसके बेसिस पे आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दो वैल्यू यूजर से इनपुट करवाऊंगा और उसका एडिशन आपको करके बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे हटा देते हैं और मैसेज डालते हैं इंटर
फर्स्ट नंबर, ऐसा मैसेज देते हैं। ओके, अब जो भी नंबर वो डालेगा तो रीड करने के लिए हमारे पास रीड लाइन नेम का मेथड है, लेकिन मुझे इसे लेना है इंटीजर फॉर्म में, तो मुझे इसका पार्सिंग करना पड़ेगा। तो जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड इंटीजर नेम का एक क्लास होता है, उसके इनसाइड एक स्टैटिक मेथड होता है पार्स इंट। जब आप उसे कॉल करोगे और उसके पैरामीटर में इसे आप पास कर दोगे तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी उसकी पार्सिंग करके उसमें से इंटीजर निकाल लेगा। ओके, तो यहाँ पर उस वैल्यू को हम एक्स में असाइन कर देंगे। इसी तरीके से हम यूजर को मैसेज करेंगे कि आप जो है सेकंड नंबर डालें। इसी तरीके से वो जब सेकंड नंबर डालेगा तो उसको हम रीड करेंगे, फिर उसकी पार्सिंग करेंगे और इसे एक अदर वेरिएबल वाई में असाइन कर देंगे। अब मुझे एडिशन करना है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये वाला। ओके, और अब मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज़ करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा जेड इक्वल्स टू और यहाँ पर मैं जेड को प्रिंट करवा दूँगा। अब मैं इसे कंपाइल और रन करके चेक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं, पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने डाला 12, इंटर सेकंड नंबर डाला 15 डाला हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटर करते हैं, हमें आउटपुट मिला 27, क्योंकि 12 को जब हम 15 के साथ ऐड करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 27। अब इसी तरीके से अगर आप फ्लोट वैल्यू को रीड करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, इंटर फ्लोट नंबर, ऐसा मैंने मैसेज दिया। अब मैं इसे यहाँ से पूरा हटा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। करना क्या है, वही रीड लाइन नेम की मेथड को आपको कॉल करना है और किस में रखना है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू यूज़र डालेगा तो आप उसे फ्लोट टाइप में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करता है तो आपको इसकी पार्सिंग करना पड़ेगी। तो जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड फ्लोट नेम का एक क्लास होता है, उसके इनसाइड पार्स फ्लोट नेम का मेथड होता है। आप उसके पैरामीटर में जैसे ही इस आर्गुमेंट को पास करेंगे तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी उसकी पार्सिंग करके फ्लोट में ये कन्वर्ट कर देगा। ओके, और अब आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। मैं आपको कंपाइल और रन करके चेक करके बताता हूँ, बहुत आसान है। हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया, इंटर फ्लोट नंबर मैंने डाला 12.2, आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिला है 12.2 इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा यूजिंग कंसोल क्लास। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।